हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पीटीसी गुजरात डेल एड के रिलेटेड सारे अपडेट नोटिफिकेशन, कैसे किस तरीके सारी चीज़ें करनी होती है, क्या क्या यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है, किस तरीके सारी चीज़ें करनी होते हैं, क्या क्या सारे प्रोसेस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो मतलब कितना एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, प्रोसेस सारी चीज़ें, कितना स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सारी चीज़ें देखनी होंगी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सारी चीज़ें, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाएगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए आगे बताता हूँ आपको क्या करना है कि किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करने होते हैं। क्या टाइप करने होते हैं वहाँ पे, आपको ये टाइप करने होते हैं PTC गुजरात डेल 2021 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इसके रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना होता है। सर्च करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पे, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर अनाउंस एडमिशन एंड नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन 1 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टूडेंट जो भी चाहते हैं अप्लाई करने के लिए इसमें एडमिशन लेना है जिसको भी, तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, सामने आपके फॉर्म है। अपना नाम यहाँ पर टाइप करने होते हैं, आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, स्टेट कौन सा है, स्टेट अपना यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं। ओके आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिए, कौन सी सिटी आपकी, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या आपकी, फिर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो सही होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। और यहाँ पर आप देखे थे जो भी यहाँ पर बच्चे एडमिशन चाहते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पर होता है, देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाती है। यहाँ पर बताया गया आपको हाईलाइटेड में कि आपका एग्ज़ाम नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट गुजरात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप्स ऑफ UG लेवल का होता है, एग्ज़ाम लेवल यहाँ पर स्टेट लेवल का होता है, कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पर जो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। अप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑफलाइन मोड से होता है, एग्जाम डेट यहाँ पर देखते हैं ऑफलाइन मोड से, एग्जाम डेट यहाँ पर विल बी अवेलेबल सन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये है, हेल्पलाइन नंबर ये देख सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट इवेंट देख सकते हैं यहाँ पर आप, इवेंट इम्पॉर्टेंट कैसे देखने डेट। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश के top 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फॉर्म एडमिशन स्टार्ट है, तो आपको कैसे किस तरीके से आपको एडमिशन लेने होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए रहता है। तो यहाँ पर डेट कैसे देखनी है, स्टार्टिंग डेट अप्लीकेशन फॉर्म का देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग का देख सकते हैं यहाँ पर, एंडिंग डेट देख सकते हैं यहाँ पर। अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज़ की जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इसमें लेना चाहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज़ करनी होती है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, सिग्नेचर्स, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें वहाँ पर फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के फीस टाइप करना फिल करना होता है। एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 40% मार्क्स चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट यहाँ पर 15 ईयर्स 22 ईयर्स यहाँ पर मिनिमम बताया गया, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज़ की जाएगी, यहाँ पर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ऑल इंटरेस्ट कैन गेट एडमिट कार्ड। यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज़ कर दी जाती है, विल बी पुट ऑन ऑफिशियल साइट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाएगी आपका रिजल्ट, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। फिर मेरिट लिस्ट आपका रिलीज़ कर दी जाती है, जिसका भी नाम मेरिट लिस्ट में आया है और जिसने भी अच्छे मार्क्स लाए, ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर, आपने रैंक कितना लाया है, रिजल्ट में कितना मार्क्स लाया है, तो जिसका भी मार्क्स अच्छे आए हैं तो यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते हैं वहाँ पर उसके। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होते हैं, उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग रिलीज़ कर दी जाती है जिसमें भी आपको आगे बताई जाती है यहाँ पर सारी चीज़ें किस तरीके से क्या करने होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग में ही सारे जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं, कैसे कौन से
और स्टेट कौन सा सीट में अलॉटेड है, कौन से कॉलेज में, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होता है। फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, टेंथ के मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास क्या, कार्ड सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रेडियंस सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है। कुछ भी डाउट आउट आपको होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।